बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद आमद है, तो बच्चे अक्सर बॉयल अंडा खाते हैं, तो खा के भी जाते हैं, और सर्दियों में ज़्यादातर बॉयल अंडा खाते हैं। ये देखें, अनवास फातिमा को भी ना बॉयल अंडा बड़ा ही पसंद है। उसके छीलने का ना आज मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ, बॉयल अंडे के छीलने का। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अक्सर क्या होता है कि हम अंडा जब छीलते हैं ना तो अंडा टूट जाता है। आपने अंडे को बॉयल करना है, बस नॉर्मल पानी बॉयल करने के बाद बस नलके के नॉर्मल पानी में डाल के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने उसको चम्मच से यूं करना है, चटकने के बाद थोड़ा सा हल्का सा चटक लिया, फिर हाथ से हल्का सा यूं करना। उसके बाद आप थोड़ा सा बस तोड़ के कि आपको जगह मिल जाए। बिस्मिल्लाह। उसके बाद आपने एक चम्मच लेनी है। ये देखिए, इतना आसान और सिंपल तरीका है। चम्मच से आपने अंडे को यूं करना है और आपका छिलका बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से उतर जाएगा। अक्सर हम हाथों से अंडा छीलते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा नाखून लगने की वजह से ना अंडा ख़राब हो जाता है या टूट जाता है। तो ये देखिए, चम्मच से आप जब अंडे को यूं करके छीलेंगी ना, तो उसका छिलका भी बहुत ही आसानी से फटाफट उतर जाएगा और अंडा भी नहीं ख़राब होगा। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने कितनी आसानी से ये अंडे का छिलका उतर गया और अंडा भी ख़राब नहीं हुआ। अक्सर हम बॉयल अंडा करते हैं तो वो हमारा अंडे का छिलका उतार रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो अंडा नहीं सही तरीके से छिलता है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से अंडा छिला गया, और वो ठीक तरीके से छिला गया, ना कहीं से टूटा है और ना कुछ ख़राब हुआ है। अब आप उसको काट के खाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को भी खिलाएंगे ना। आज मैंने आपको अंडा छीलने का तरीका बता दिया, जो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है चम्मच की मदद से, ताकि आप आसानी से छीन लें। इसमें नमक, काली मिर्च डालें और बच्चों को दे दें खाने के लिए। ये लो अनवास फातिमा, खा लो। दूसरा अंडा करेंगी।